देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 14 है आपका फन विद मैग्नेट्स। आज हम उसका क्या करेंगे, रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आपके पास सबसे पहली बात आती है डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स का डिस्कवर किसने किया था, कैसे कुछ हुआ था ये सिस्टम आपका? तो आपके पास बच्चों बहुत सालों पहले क्या हुआ कि ग्रीक जो आपके पास जो देश था उसने क्या किया, एक चट्टान है उसको क्या किया, डिस्कवर किया, उसको पाया। ठीक है, तो उसमें क्या देखा गया कि उस चट्टान है जो रॉक है, ब्लैक रॉक, वो क्या कर रही है, आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, जिसको क्या नाम दे दिया बच्चों, मैग्नेट नाम दे दिया। ठीक है, आपके पास तो वो आपके पास जो मैग्नेट है, आपके पास ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये आपके पास मैग्नेटाइट जो रॉक है, आपके पास मैग्नेटाइट रॉक, वहां से ये वर्ड लिया गया है। मैग्नेटाइट रॉक वहां से ये वर्ड क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है, अब बात आती है इसके मैग्नेट होता क्या है, आपके पास कितने इसके पोल्स होते हैं, मैग्नेट्स आपके पास नेचुरल होता है या मैनमेड होता है। ठीक है, इसके टाइप्स के बारे में करेंगे हम लोग अब। टाइप्स जैसे मैग्नेट आपको पता है नेचुरल हमारी अर्थ के अंदर भी मिल सकता है आपको, अदरवाइज आप लोग इसको तैयार भी कर सकते हो, बना भी सकते हो। ठीक है, तो अब बात आती है आपके पास मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होंगी उसके पोल्स के बारे में प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगे। सबसे पहले है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो नेचुरल मैग्नेट आपके पास कौन से होंगे, जो हमें अर्थ से मिल जाएंगे या फिर हमारे नेचर से मिल जाएंगे आपको, है ना। स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटाइट रॉक्स which have the property of attracting pieces of iron are known as natural magnets. Natural magnets बच्चों वो magnet होते हैं जो क्या होते हैं, हमें नेचर से मिलते हैं यूं लगा लीजिए, या फिर मैग्नेटाइट जो रॉक है आपके पास उसके पास टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की आयरन पीसेस को। ठीक है, उसको नाम दे दिया मैंने नेचुरल मैग्नेट्स। ठीक है, अब आता है आपके पास आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, जब आपके पास नेचुरल मैग्नेट थे तो आपको आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ वगैरह आपको ज्यादा चाहिए। आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है या फिर कोई अप्लायंस अच्छे से काम करना चाहिए, अलग अलग पर्पस के लिए हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की जरूरत पड़ी, हमारे जो यूजफुलनेस के लिए, हमारे फायदे के लिए हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का यूज किया ताकि हमारी लाइफ इजी हो जाए। ठीक है, हम उनका अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकें। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बच्चों आपके पास वो मैग्नेट होते हैं जो मैन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, दोज मैग्नेट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय मैन आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। इनकी अलग अलग शेप हो सकती है आपके पास। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स। सम कॉमन शेप्स आर बार मैग्नेट हो सकता है आपके पास, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो सकता है, यू शेप मैग्नेट हो सकता है, निडल मैग्नेट, रिंग मैग्नेट। ठीक है, ये सारे क्या हैं, शेप्स हैं मैग्नेट्स के अलग अलग। ठीक है, अब आता है आपके पास मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो बच्चों मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक मटेरियल तो आपको इसको नाम, जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या होता है,
वो सब्सटेंसेस कह सकते हो, वो मटेरियल जो क्या करते हैं, मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं. दो सब्सटेंसेस विच अट्रैक्ट मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सारे क्या हैं बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल हैं. इनके पास टेंडेंसी होती है, पावर होती है अट्रैक्ट करने की, किसको, आयरन ऑब्जेक्ट्स को. ठीक है ना, वो आयरन ऑब्जेक्ट्स को तो अट्रैक्ट कर लेंगे, वो तो मैग्नेट हो जाएंगे. और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से हो जाएंगे, मटेरियल्स कौन से होंगे जो क्या करें, अट्रैक्ट करें मैग्नेट को. जैसे आपके पास आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सभी क्या है, मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं आपके पास. ठीक है, तो मेटल्स क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है, नेक्स्ट इज रिवर्स इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर रहे अपनी तरफ, उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. जो आपको पता है, रबर, प्लास्टिक, वुड, पेपर, गोल्ड, सिल्वर, एलुमिनियम, ये सब क्या होते हैं, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते. ठीक है ना, जो गोल्ड है, सिल्वर है, एलुमिनियम है, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता आपके पास. ठीक है ना, क्योंकि जो गोल्ड, सिल्वर और ये है ना एलुमिनियम, इनकी बच्चों रिएक्टिविटी कम होती है. ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, जो गोल्ड है, सिल्वर है, एलुमिनियम है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है. ठीक है ना, रिएक्टिविटी कम होने का मतलब है ये अपने जो कलर है, जो सॉरी इनका गोल्ड है, वो चाहे 10 सालों तक आप लोग रखोगे तो भी गोल्ड ही रहेगा, चेंज तो नहीं हो जाएगा. सिल्वर भी वैसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है. ठीक है ना, तो इनकी रिएक्टिविटी बच्चों कम होती है, इसी वजह से ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं. ये एयर वगैरह के कांटेक्ट में कम आते हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव हैं आपके पास ये. ठीक है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हो गए आपके पास सिल्वर, एल्यूमिनियम, पेपर, वुड, कॉटन. ठीक है ना, अब आपसे पूछ लिया जाए विच विच मेटल इज द विच मेटल शो द बेस्ट मैग्नेटिक करेक्टर, कौन सा मेटल है आपके पास जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक करेक्टर को शो करता है, या फिर यूं लगा लीजिए कि वो आयरन ऑब्जेक्ट्स को विच सब्सटेंस इज मोर मैग्नेटिक, ऐसे पूछ सकते हैं आपको. तो आंसर इज आयरन. आयरन है बच्चों आपके पास फेरोमैग्नेटिक होता है, आयरन के पास ज्यादा टेंडेंसी होती है मैग्नेट को अट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉट. तो आयरन बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है. फेरोमैग्नेटिक का मतलब है, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेट को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं. बहुत सब्सटेंसेस विच अट्रैक्ट मैग्नेट स्ट्रॉन्गली आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. सिंबल ऑफ आयरन इज Fe. ठीक है, आयरन को हम लोग Fe से लिखते हैं, कोबाल्ट को हम लोग CO से लिखते हैं, निकल को हम लोग Ni से लिखते हैं. ये इनका क्या है, सिंबल्स है. अब बात आती है मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो इसके नाम से ही इंडिकेट होता है मैग्नेटिक फोर्स. कौन सा फोर्स होगा आपके पास, वो फोर्स जो मैग्नेट एग्जर्ट करेगा उस मटेरियल के ऊपर. ठीक है ना, द फोर्स दैट ए मैग्नेट एग्जर्ट्स ऑन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक
द फोर्स दैट ए मैग्नेट एग्जर्ट ऑन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. वो फोर्स जो मैग्नेट एग्जर्ट करे लगाए किसके ऊपर, मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, ठीक है, उसको नाम दे दिया क्या, मैग्नेटिक फोर्स. आता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके पास, फील्ड है द स्पेस मैग्नेट इन इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, मैग्नेट के चारों ओर का वो ये स्पेस है, ये आपके पास ये स्पेस हो गया जहां पर आप मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या कर सको, महसूस कर सको, फेल्ट कर सको, ठीक है ना. तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. या फिर आप ये कह सकते हो द रीजन रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट. इन्फ्लुएंस क्या होता है, प्रभाव होता है, ठीक है, वो रीजन जहां पे मैग्नेट के इफेक्ट को आप देख सको उसके चारों ओर, उसको क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है. दिस इन्फ्लुएंस गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो फार्दर अवे फ्रॉम द मैग्नेट. जैसे जैसे आप मैग्नेट को, मैग्नेट से दूर जाओगे, ठीक है, उसके डिस्टेंस को चेंज करोगे, तो क्या होगा आपके पास ये इन्फ्लुएंस है ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, फील्ड लगा लीजिए, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसे आप मैग्नेट से फार करोगे, दूर जाओगे, तो दूर लेके जाओगे मैग्नेट को तब, ठीक है. हाँ अब आता है आपके पास सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, नॉर्थ से क्या करती हैं, निकलती हैं और साउथ में क्या करती है, एंटर कर जाती हैं, ठीक है. अब यहाँ देखिए, जैसे आपके पास ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट, ये मैग्नेट है आपके पास, दिस इज द मैग्नेट, ये आपके पास रेड है, ये क्या हो गया नॉर्थ पोल, और ये व्हाइट में दिखाया है क्या, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये क्या दिखा दिया आपके पास, ये सर्कल्स क्या दिखाए हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ में क्या कर रही है, यहाँ से देखो नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है ऐसे, ठीक है ना. ये हमारे पास क्या हो गई, एक्सिस हो गई, या फिर यूं लगा लीजिए डायरेक्शन हो गई आपके पास, ठीक है. जैसे एक्सिस है यहाँ पे, ये यह आपकी. अब आगे आता है, ऑल द मैग्नेट्स डू नॉट हैव सेम मैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रेंथ. सभी मैग्नेट्स के पास स्ट्रेंथ है वो एक जैसी नहीं होती. स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया बच्चों, पावर ही हो गया ये, या फिर स्ट्रेंथ है उसकी, वो क्या होगी, उसकी ताकत लगा लीजिए, ठीक है, पावर, मैग्नेट की टेंडेंसी, ठीक है. सभी मैग्नेट्स के पास एक जैसी टेंडेंसी नहीं होती है अट्रैक्ट करने के लिए. कुछ छोटे मैग्नेट्स होते हैं उनके पास ज्यादा होती है बड़े मैग्नेट्स के कंपैरिजन में, या फिर कुछ बड़ा मैग्नेट है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसकी क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है ये सभी चीजें. स्मॉलर मैग्नेट्स मे और मे नॉट बी, मे और मोर पावरफुल देन लार्जर वन डिपेंडिंग अपॉन इट्स मटेरियल. वो किस मटेरियल का बना है उसके ऊपर भी आपके पास क्या कर रहे हैं, मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है, ठीक है.
साइज ऑफ मैग्नेट डज नॉट इंडिकेट इट्स स्ट्रेंथ, जो मैग्नेट का साइज है वो उसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट नहीं करता। साइज आपके पास छोटा बड़ा हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में साइज से रिलेट हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट्स के पोल्स। पोल्स जैसे मैंने आपको बता दिए बच्चों, मैग्नेट के दो पोल होता है, एक साउथ पोल होता है ना, एक नॉर्थ पोल, अनदर इज साउथ पोल। ये भी बताया था, नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं आपके पास, रिपेल करते हैं, सेम सेम हो गए ना, नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ, ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि क्या हो गए, लाइक हो गए। लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर, while as unlike poles always attract each other, ठीक है। A magnet has two poles, one is north pole and another is south pole. Look at this diagram, this is the north pole and this is the south pole. अब मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, कट करने के बाद ये आपके पास दो मैग्नेट बन जाएंगे, जिनके दोबारा से क्या रहेंगे, दो पोल्स रहेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट के पोल्स हमेशा बच्चों पेयर में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर मैग्नेट ऑलवेज अकर इन पेयर, एग्जिस्ट इन पेयर, पेयर्स में रहता है आपके पास मैग्नेट हमेशा, ठीक है ना। कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैग्नेट के एक ही पोल रहेगा, कितने ही पीसेस में आप लोग इसको कट कर लीजिएगा, हमेशा मैग्नेट के दो ही पोल रहेंगे आपके पास, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, अब बताया है मैंने लाइक पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। लाइक में जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो गया, लाइक का मतलब है एक जैसा, ठीक है, तो लाइक में नॉर्थ नॉर्थ एक जैसे हो गए, साउथ साउथ, ठीक है, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करने का मतलब दूर दूर जाएंगे, ठीक है। अनलाइक क्या करेंगे, अनलाइक का मतलब क्या हो गया, अलग अलग हो गया, सेम नहीं है ना वो, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, या फिर साउथ नॉर्थ अलग अलग हो गए, तो क्या होंगे, ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाइल एज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ये पॉइंट्स हो गए आपके पास। अब आते हैं आपके पास ये फील्ड लाइंस, मैंने बता दी आपको क्या होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों होती है कहां से कहां, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी टेस्ट होगा ये क्वेश्चन मैं टेस्ट में जरूर डालूंगी, ठीक है, जब टेस्ट बनाऊंगी मैं आप लोगों का इस चैप्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, या फिर मैग्नेट के पोल्स की भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक मैग्नेट के अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कहाँ मैक्सिमम होती है, स्ट्रेंथ का मतलब उसकी जो पावर है अट्रैक्ट करने की वो कहाँ ज्यादा होती है, तो बच्चों उसके एंड्स पे ज्यादा होती है, किनारों पे ज्यादा होती है, ठीक है। जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है आपकी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज कंसंट्रेटेड नियर द एंड्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के जो एंड्स हैं, किनारे हैं, जिनको हम पोल्स कहते हैं, पोल्स के ऊपर क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेट होती है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब वहां ज्यादा होती है, इकट्ठी हो जाना, जैसे कॉन्सेंट्रेट का मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है यहाँ पे आपका, इन विच मैक्सिमम होगी बच्चों,
पोल्स के ऊपर मैक्सिमम होगी, एंड्स ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। वैसे नेम द रॉक विच हैव द प्रॉपर्टी पीसेस, आयरन पीसेस प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी रॉक होती है, मैग्नेटाइटिक, मैग्नेटाइटिक रॉक रॉक होती है आपके पास, है ना। इनमें से आपको पिकअप करनी है विच वन इज द मैग्नेटिक मटेरियल एंड विच वन इज नॉट। तो आयरन क्लिप्स है, निकल कॉइन्स है, वुडन बॉक्स है, यहाँ पे शूज है, टी शर्ट है, इन सभी में से मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हो जाएंगे, आयरन क्लिप्स, निकल कॉइन्स, निकल कॉइन्स, ये सभी क्या होंगे, मैग्नेटिक मटेरियल होंगे आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की अलग अलग शेप कौन सी होती है, तो कौन सी शेप होती है मैग्नेट की आपके पास अलग अलग, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं हम लोग अलग अलग शेप का बनाते हैं, है ना, तो कौन सी शेप हो जाएगी बताओ। ये स्टूडेंट्स आपसे, आप लोगों से पूछ रही हूँ मैं, कौन सी शेप होगी आपके पास, डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट बताइए। नहीं मालूम, मैम सिलेंड्रिकल और हाँ जी, यू शेप की, और यस यू शेप, बार मैग्नेट हो सकता है आपके पास, यस मैम, रिंग शेप का हो सकता है मैग्नेट आपके पास, रिंग रिंग शेप का हो सकता है, निडल हो सकता है, और बताइए। राउंड शेप का हो सकता है, हाँ राउंड शेप का हो सकता है, हॉर्स हॉर्स शू शेप का हो सकता है आपके पास, है ना। यस मैम, ये सभी क्या होते हैं बच्चों, डिफरेंट शेप्स है मैग्नेट की, ठीक है ना। क्या नेम है आपका, व्हाट्स योर नेम, प्रियांशी, मैम प्रियांशी, वेरी गुड बेटे। देखो आगे हम लोग करते हैं, देखो देखो बच्चों, अब हमने मैग्नेट बना लिए हैं, उसके पोल्स के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। पोल्स क्या होते हैं, कौन कौन से पोल अट्रैक्ट करेंगे, कौन से रिपेल करेंगे आपके पास, ये सब हो चुका है। अब हम क्या, कौन सा डिवाइस होना चाहिए ना हमारे पास उस मैग्नेट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए, है ना। वो जो डिवाइस है आपके पास उसका नाम होता है कंपास, ठीक है। ये एक्टिविटी है आपके पास, ये आपके लेसन रीड करवाया था, बताया था, फिर से बता देती हूँ। आप एक मैग्नेट लीजिए, एक ही मैग्नेट है, आप लोग एक क्या करोगे, एक मैग्नेट को लोगे, उसको क्या करोगे, टाइड कर दोगे, मींस क्या कर दोगे, एक रस्सी से या फिर एक थ्रेड से क्या करोगे, इसको क्या कर दोगे, बांध दोगे, टाइड कर दोगे, फिर क्या करोगे, इसको हैंग कर दोगे। हैंग हैंग क्या होता है, लटका देना, इसको एक स्टैंड की हेल्प से यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको हैंग कर दोगे, ठीक है। तो आप लोग क्या देखोगे बच्चों, जब आप इसको रोटेट करवाओगे मैग्नेट को, तो क्या होगा आपके पास, जब ये रुकेगा आपके पास, जब स्टॉप हो जाएगा आफ्टर रोटेशन, ये क्या करेगा, रुकेगा आपके पास, रोटेट करवाओगे तब तो ये मूव करेगा, लेकिन जैसे ही ये रुकेगा आपके पास, स्टॉप होगा, तो क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन है मीन्स कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ही क्या रहेगा आपके पास, झुका रहेगा। तो उस टाइम पे आप लोग इसकी डायरेक्शन को नोट कर लीजिए कि जब आपने एक बार इसको रोटेशन दिया तो इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गई, नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। अगेन क्या करोगे आप लोग, फिर से इसको रोटेट करवाओगे, तो फिर भी आप लोग ये पाओगे, ये देखोगे कि अगेन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जैसे आप लोगों ने एक बार रोटेट करवाने के बाद इसके ऊपर नाम दे दिया कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, दोबारा से रोटेट करवाओगे तो सेम आएगा, ये नॉर्थ ही आएगा,
इस साइड आपके पास और इस साइड साउथ ही आएगा। इससे ये रिप्रेजेंट होता है आपके पास जो मैग्नेट है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या करती है, नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ ही रहती है। नॉर्थ पोल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ, जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करता है, दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। और साउथ पोल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में क्या करेगा, साउथ पोल मैग्नेट का पॉइंट करेगा, दिखाएगा आपके पास, ठीक है। अब आता है आपके पास कंपास। कंपास क्या होता है बच्चों, जो ट्रेवलर्स होते हैं बहुत ही पुराने समय में एंशियंट टाइप में क्या होता था कि जो ट्रेवलर्स वगैरह होते थे या फिर जो नेविगेटर्स वगैरह हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, ये डायरेक्शन का पता लगाने के लिए नेचुरल मैग्नेट्स का यूज करते थे। जैसे ये वाला है, ठीक है, इसको एक थ्रेड से बांध देते थे, ठीक है, और फिर डायरेक्शन का पता लगाते। जैसे ये इधर आ गया तो इसका मतलब इधर साउथ डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर आ गया इसका मतलब इस साइड आपकी क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो पहले तो ये लोग क्या करते थे, नेचुरल मैग्नेट्स का यूज क्या करते थे डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। फिर जैसे जैसे टाइम जाता गया इनको एक क्या मिल गया, एक डिवाइस मिल गया जिसका नाम क्या है, कंपास, ठीक है। ये वाला, ये क्या है, कंपास है। इसकी हेल्प से क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। कंपास इज अ स्मॉल बॉक्स ऑफ एल्यूमिनियम और ब्रास विद ए ग्लास कवर ओवर इट। इसके ऊपर क्या होता है, ग्लास की कवरिंग चढ़ा देते हैं हम लोग, और ये किससे मिलके बनता है, एल्यूमिनियम से या फिर ब्रास से, ठीक है। इट हैज अ डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। इसके पास क्या होता है, डायल होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास घड़ी में होता है, वॉच में होता है ना डायल, और उसके ऊपर मार्क करते हैं हम लोग 1 से लेके 12 तक का मार्क करते हैं ना, जो बनाने वाले होते हैं, है ना। तो ऐसे ही इसमें डायल होता है जैसे वॉच में होता है, और उस डायल के पास क्या है, मतलब डायरेक्शन लिखी हुई होती है किधर नॉर्थ है साउथ है ये सब, ठीक है। इसके पास क्या है, एक नीडल होती है, आपको पता है नीडल है इसके अंदर, है ना, मैग्नेटाइज नीडल। हमने क्या कर दिया, एक मैग्नेटाइज नीडल को अटैच कर रखा है, ठीक है, जो क्या करती है, विच सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली। वो क्या करेगी, अपने आप फ्रीली रोटेट करेगी, घूमेगी, ठीक है। ये सब बातें होती हैं बच्चों आपके पास कंपास के अंदर, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं ये सब, इसका क्या करने के लिए, डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए, ठीक है ना। क्लास ओवर हो चुकी है बच्चों, ऑलमोस्ट हमने